आज के इस वीडियो में जानेंगे जिसको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा साल में 6000 रुपए मिलता है उनके लिए ये अनिवार्य वीडियोस है। इस वीडियो में आप जानेंगे अगर आपको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6000 रुपए मिलता है तो आपको अब केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए आप जब आप pmkisan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे भी नोटिफिकेशन में दिया जाएगा ई केवाईसी मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर फार्मर्स, यानी कि जो भी पीएम किसान रजिस्टर है फार्मर जिसको 6000 रुपए सालाना मिलता है उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया ई केवाईसी करने। अगर आप ई केवाईसी नहीं करते तो आपका जो 2000 रुपए हर 4 महीने पे यानी कि सालाना 6000 रुपए आता वो बंद कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि का केवाईसी किस तरह आप कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो इस वीडियो की मदद से आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो पेमेंट आ रहा है 2000 रुपए हर 4 महीने में यानी कि एक साल में 6000 रुपए वो आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो सभी किसान के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश करेंगे अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि इसी तरह के नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आपको आना होगा pmkisan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आके यहाँ से आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी सेल्फ केवाईसी भी कर सकते हैं ई केवाईसी के माध्यम से, लेकिन आज हम करेंगे सीएससी के माध्यम से। अगर आप खुद से करेंगे ई केवाईसी तो यहाँ पे भी ये जो साइट है ये सही से वर्क नहीं कर रही है, आपकी सही ओटीपी को इनवैलिड ओटीपी ये बता सकती है, इसलिए आप अभी ना करें। और सीएससी अगर आपके पास है या सीएससी सेंटर पर जाकर आप करवा सकते हैं, उसके लिए इस वेबसाइट पर सीएससी आपके पास है तो यहाँ पे सीएससी लॉगिन है, इस सीएससी लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सीएससी लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सीएससी की लॉगिन डिटेल आपको देनी होगी, सीएससी आईडी पासवर्ड कैप्चर डाल के आपको साइन इन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका सीएससी लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे सीएससी डैशबोर्ड है सीएससी यूजर के लिए, यहाँ पे पीएम किसान की जो भी डिटेल सारी चीज है कर सकते हैं, जैसे आधार करेक्शन करते हैं, आधार नंबर करेक्शन हो गया, यहाँ से फार्मर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फार्मर रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसमें कोई गलत डिटेल हो चुकी है उसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ से पेमेंट आप देख सकते हैं, और यहाँ से आपको ओटीपी बायोमेट्रिक केवाईसी कर सकते, यानी कि ओटीपी के माध्यम से या बायोमेट्रिक के माध्यम से आप केवाईसी कर सकते हैं। यहाँ से स्टेटस रजिस्टर देख सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ से अपने अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, केवाईसी करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे ओटीपी बायोमेट्रिक जो है ओटीपी बायोमेट्रिक आधार वाले भी इस ऑप्शन भी क्लिक करेंगे। आप ओटीपी के माध्यम से भी केवाईसी कर सकते हैं और बायोमेट्रिक के माध्यम से भी केवाईसी कर सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तक, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तक आधार केवाईसी के लिए मांगेगा। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर देना होगा, जो भी किसान का 6000 रुपए सालाना आता है उसी का केवाईसी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। आधार नंबर डालने के बाद सर्च करेंगे कुछ इस तरह सेंटर पे, यहाँ पे आधार नंबर हो, यहाँ पे मोबाइल नंबर देगा, इसके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर वो नंबर यहाँ पे देना होगा, अन्यथा आपको ओटीपी रिसीव नहीं होगा। तो यहाँ पे इंटर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर, इस आधार के साथ जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर वो नंबर डालेंगे, उसके बाद गेट ओटीपी पे, गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे दे चुके, उसके बाद गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी रिसीव हो जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद कुछ इस तरह यहाँ पे कैप्चर फॉर ई केवाईसी के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ओटीपी है सेलेक्ट, तो यहाँ पे आपको फिंगर कर लेना है, तो यहाँ पे आपको फिंगर पे क्लिक करना है, फिंगर अभी लगाना है आपको कस्टमर का, या ओटीपी से करना है तो ओटीपी यहाँ पे कैप्चर करेंगे, मतलब कैप्चर नहीं होगा वो फिंगर लगेगा। तो यहाँ पे ओटीपी तो दे चुके हैं, उसके बाद आप क्या करना, फिंगर देना है, उसके लिए आप फिंगर पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको फिंगर सेलेक्ट करेंगे, फिंगर, उसके बाद यहाँ पे फिंगर को सेलेक्ट करेंगे। फिंगर सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में कैप्चर फॉर ई केवाईसी बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी मशीन पे लाइट जलेगी, आपके मशीन पे लाइट जलेगी, कस्टमर का फिंगर लगा लेंगे, उसके बाद सबमिट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी कोई कस्टमर नहीं है जिसका हम फिंगर लगा के आपको लाइव दिखा सकते। तो आप इसी तरह सीएससी के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना केवाईसी कर सकते हैं। हमारे पास फिलहाल कोई कस्टमर नहीं जिसका हम करके लाइव आपको दिखाएंगे, यही प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा एक केवाईसी करने के लिए। कैप्चर, फिंगर कैप्चर करने के बाद आपको सबमिट कर देना, आपका जो केवाईसी वो सक्सेसफुली हो जाएगा। ये मैंने सीएससी के माध्यम से करके दिखाया, और मैं आपको एक पर्सन का केवाईसी करके भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह क्या जाता है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में एक पर्सन का केवाईसी करके दिखाऊंगा,
और एक वीडियो में आपको बिना सीएससी का भी करके आपको लाइव दिखाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही इस चैनल पे देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ये वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस तरह आप सीएससी के माध्यम से किसी भी कस्टमर का केवाईसी कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे आज के इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।